नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्पेशल टेक्निकल कोच बहुत ही कमाल का न्यूज लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जियो का जो बेसिक मोबाइल है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जियो का जो बेसिक मोबाइल है उसके बारे में मैं आज बता रहा हूं। उस मोबाइल को जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये मोबाइल जैसे कि पीछे से आप देख रहे हैं कि फटने की खबर आई है, लेकिन ये मैं बात बता दूं कि अभी तक जियो के जो ऑफिशियल वेबसाइट या लाइव की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं आई है। इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आगे देखना है कि क्या जियो इसके बारे में स्टेप लेता है। बैटरी क्यों फटती है, बैटरी फटने के क्या लॉजिक है, जियो के तरफ से बातें कुछ जो हम अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि एक्चुअली देखिए, जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसका जो ओवर हीटिंग यानी ओवर चार्ज मत कीजिए। जैसा कि आप लोग मोबाइल को रात में लगा कर छोड़ देते हैं, माना गया है कि कभी भी मोबाइल को 20% से नीचे नहीं आना चाहिए, उससे पहले आपको चार्जर में कनेक्ट कर देना चाहिए या फिर 90 से ऊपर नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसकी जो कैपेसिटी है, लिथियम की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, फटने के चांसेस कम होती है। तो मैं आशा करूंगा कि आप ऐसा ही करेंगे। जैसा कि इसके पीछे इमेज में दिखाया जा रहा है कि कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि चार्जर में आग लग गई हो या उसके थ्रू से फिर बैटरी में या फिर उसके चिप में आग लग गया। जैसा कि देखा जा रहा है कि पीछे जब पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और मेल्ट में यानी पूरी तरह से बर्न भी हो गया, पीछे के पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से जल गया है। लेकिन इसकी बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 2000 की बैटरी की कैपेसिटी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जियो इसके बारे में अभी कुछ बोल नहीं रहा है, आने वाला टाइम में जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी जियो को उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। आप ध्यान रखिएगा, जियो की पहली इन्फॉर्मेशन स्पेशल टेक्निकल गुरुजी ही देता है जैसा कि आप जानते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी तक वेट कीजिए जियो इसके बारे में क्या एक्शन लेता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।